मैजिक देखना है, दिखाऊं मैजिक? हैं, रुकते नहीं, मैजिक दिखाऊं? मैं दिखाता हूं आपको। तो भाई हमारा तो ये जादू है, समझ रहे हो? जादू यानी कि 5 सेकंड के अंदर कंघी करके दिखा देना, यानी कि 5 सेकंड के अंदर तैयार होकर दिखाना, इसे कहते हैं मर्दों का जादू। ठीक है, असली जादू देखने तो अभी हम जा रहे हैं, तो चलो हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। की सीन तो आपको पता चल गया है कि भाई हम कहाँ पे जा रहे हैं। नहीं भी पता चला तो मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ। आज का सीन कुछ इस तरह का है कि हमारे सरगोधा में एक है जी जीन मॉल, जो सरगोधा की रिहायशी, उनको तो पता होगा। वहाँ पे सुनने में आया था, मेरी मिसिस की एक दोस्त है, वो उन लोगों ने वहाँ पर कोई अरेंजमेंट वगैरह करवाई है। मुझे उन मिसिस के थ्रू पता चला कि यार वहाँ पर कोई मैजिक शो हो रहा है, और कोई जो है ना वो आग शाग उन्होंने मुंह से निकालनी है, सही शशके होने हैं वहाँ पे। ठीक है, आज लास्ट डे है उसका। मैंने सोचा कि यार फैमिली अच्छी खासी फरमाइश कर रही थी, सारे कह रहे थे यार चलो 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 हमें जो है ना वो लेके जाओ, तो मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं, ले जाते हैं। तो भाई अभी का सीन कुछ इस तरह का कि प्लान बनाया जी वहाँ का। अभी इस वक्त टाइम हो रहा है जी 5:30 हो रहे हैं आई थिंक सो, और बस अब निकलते हैं और सीधा जाके जिन बॉल ब्रेक मारते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या शशके चल रहे हैं। ठीक है जी। हाँ तो भाई ये है जी जिन मॉल, और अभी यहाँ पे आए हैं, अंदर जाके हालात चेक करते हैं सीन्स के क्या चल रहे हैं। काका भी आया? काके आप ही आए? हाँ तो भाई अभी मेरे ख्याल में परतलावा चल रही है, अभी जाके सीन्स देखते हैं कि क्या सीन्स हैं और आपको भी दिखाते हैं। ठीक है जी। हाँ तो भाई सबसे पहले सेगमेंट आता है जी गेम्स का, तो बच्चों के लिए इन्होंने 2-3 गेम्स की एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवाई हुई है, तो बच्चों ने उसको कैसे इंजॉय किया और कौन कौन सी गेम्स हैं आए आपको दिखाते हैं। आपके पास है 1 मिनट का टाइम, आपने बॉल उसमें थ्रो करनी है। गेम चलती है भाई, गेम कोई मज़ा नहीं आ रहा मेरे जैसे बड़े बंदे को खास, लेकिन बच्चों के लिए फुल ज़बरदस्त किस्म का सीन, यानी कि बच्चे जो है ना वो अच्छे तरीके से एंटरटेनमेंट यानी कि यहाँ पे आके हासिल कर सकते हैं। यानी इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए मेरे ख्याल में, खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए। हाँ तो भाई उसके बाद बारी आती है जी मैजिक शो की। बच्चों के लिए तो अच्छा एंटरटेनिंग है, बेसिक सा मैजिक शो है, लेकिन बच्चों के लिए गुड है। ठीक है, वो मैजिक शो में क्या कुछ मैजिक हुआ, हल्का फुल्का जो उन्होंने बच्चों को एंटरटेन करने के लिए किया, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। मेरा पसंदीदा कौन सा था ये भी दिखाता हूँ, पहले मैजिक शो तो देख लो यार। और ना ही अपने घर जाके करना है, समझे? चार करे फिर नहीं है, तो फिर डाल दो जी रुमाल, एक दफा फिर सांप निकाल कर दिखाओ।
वेरी गुड, अब आप भी देखो कुछ है तो निकाल लो, अच्छे से नहीं है, वेरी गुड, डाल लो चलो बात आर्या ने रुमाल रखा निकाल लो, नहीं है आर्या आपने रुमाल रखा है ना, वो तो कह रही रखे है, नहीं है रीता कह रही है नहीं, आप निकाल कर दिखाओ है कि नहीं, यार मुझे जो सबसे बेहतरीन ट्रिक लगी ना इसमें से, या मेरे दिल को भाई मेरे दिल को अच्छी लगी, वो एक ही ट्रिक थी, ठीक है, जो मेरे मतलब की थी, और वो थी पेपर्स से डॉलर्स बनाना, मजे का काम है ना, तो वो वाली वो नेटफ्लिक्स की वो सीरीज नहीं है जिसमें वो बैंक को लूटते करते हैं भाई, ये तो वो सीन हो रहा था यहाँ पे, बहरहाल उन्होंने वो ऐसे ऐसे वो नोट शोट गिने, ठीक है, नोट शोट गिनने के बाद उन्होंने जनाब साहब नोटों को डॉलरों में छाप दिया, भाई ये कमाल हो गया, मैंने कहा भाई मुझे भी ये ट्रिक सीखनी है, लेकिन खैर मुझे तो ना उन्होंने सिखाई ना मैंने उनसे बात की, आपको दिखाते हैं शायद आप लोग देख के सीख जाए, ठीक है, ये देखो ये ट्रिक मजे की है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 कौन से कलर के हैं, व्हाइट कलर के हैं, हाँ तो भाई मैजिक शो के बाद बारी आती है जी जगलर शो की, जगलर शो से बरात है वो जिसमें सोटियाँ वोटियाँ नहीं घुमानी होती हैं, वो ऐसे 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 करके वो ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, कैसे समझाऊँ, नहीं समझ आई, दिखाता हूँ ना देख के खुद ही पता चल जाएगा, कैसा लगा जगलर शो? मेरे ख्याल में मैजिक शो से ज़्यादा ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, इसमें ज़्यादा एक किस्म की वो इसमें ना फिजिकल एफर्ट भी थी और दिमागी टेक्निक्स भी थी, ठीक है, वो मज़े का लगा, तो भाई लाइक्स और शेयर तो कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ, और क्या करो, कमेंट भी करो, सपोर्ट भी करो, और आपने सब्सक्राइब कर ली है, मैं अभी करूंगा, कर जाएगी यार अभी ना भूख लगी है मुझे टिका के, लेकिन यहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, जो है वो आइसक्रीम वगैरह ही है बस, ठीक है, गेम्स वगैरह भी चल रही हैं ऊपर, ठीक है, बाकी जाके देखते हैं कि अभी मजीद कौन सी गेम्स होनी है, मैं अभी आया हूँ गाड़ी में से वॉलेट लेने के लिए, और वॉलेट मैंने इसलिए रख दिया था कि अगर रश हुआ ऊपर तो ये ना हो कि आपके भाई का पर्स चोरी हो जाए, अभी बस वॉलेट निकाल लिया, जाते हैं
जाके कोई हल्की फुल्की चीज़ अगर खाने को मिल गई तो वो खाएंगे, उसके बाद फिर मज़ीद इंजॉय करते हैं, ठीक है। यहाँ से लेते हैं जी ज़रा आइस रोल और उसके बाद वो खा के तो फिर कुछ और करेंगे, ठीक है। हाँ तो भाई अभी तो यहाँ पे कोई सीन नहीं चल रहा, अभी तकरीबन मेरे ख्याल में टाइम हो चुका है कोई राउंड अबाउट 6 बज गए हैं। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भाई क्या चक्कर पार्ट है, कोई गेम शेम्स होनी है यहाँ पे या नहीं होनी, ठीक है। इन्होंने कहा भाई अभी जो है ना वो ज़रा सी देर है, तकरीबन 7-7:30 बजे जाके राउंड अबाउट शुरू होगा, उसके बाद जो है ना वो फिर आप यानी कि जो भी सीन हुआ आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा और क्या होगा यहाँ पे, हाँ फायरवर्क्स होंगे, ठीक है। और फायरवर्क्स उसके हिसाब से तो नहीं, फायर शो होगा एक छोटा सा यहीं पे ही आउटडोर, ठीक है। और बहरहाल फैमिली के लिए ठीक है, बच्चों की ज़रा सी इंटरटेनमेंट हो जाती है और बच्चे वगैरह जो है ना वो ज़रा सा इंजॉय कर लेते हैं, ठीक है। और बड़ों के लिए यानी कि मेरे जैसे लोडे लपाड़ों के लिए तो भाई नहीं है, ठीक है ना, जो सीधी सी बात है। लेकिन हाँ फैमिली के लिए एक छोटा सा जो है ना उन्होंने फंक्शन अरेंज किया था, उसके हिसाब से ठीक है। जनानियाँ आस्ते और सियापे बहरल इधर वेगस में आ गए ना, यहाँ से कोई चीज़ मेरे मतलब की शायद मिल सकती है, शायद नहीं, अगर ये ओरिजिनल हैं तो नहीं, ये ओरिजिनल नहीं है, ये सारे EDP पड़े हुए हैं, EDP वर्जन नहीं है, लेकिन बहरल फिर भी हमारे लिए कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। और बाकी सलाउद्दीन साहब अपनी अम्मा जी के साथ इंजॉय कर रहे हैं, काके को काके की मतलब की चीज़ मिल गई है ऐसे करके ऐसे। खैर 2-3 शोज के बाद बारी आती है जी फायर शो की, इसको देखने के लिए भाई हमने तो वेट किया तकरीबन कोई घंटे का, बाकी शोज जब ख़त्म हो गए थे तब घंटे बाद ये शो शुरू हुआ आउटडोर, पहले सारे इंडोर थे ये शुरू हुआ आउटडोर, ठीक है। ये भी मज़े का था, मज़े का लगा, हैवी किस्म का फायर शो नहीं था लेकिन नॉर्मल था, मुँह से भाई आग शाग निकाली उन्होंने, खतरों के खिलाड़ियों वाला काम किया उन्होंने, इन्जॉय किया हम लोगों ने, सबने इन्जॉय किया, आप लोग भी इन्जॉय करें, ठीक है। हमने तो घंटा वेट किया इसको देखने के लिए, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो ये थी जी आज की वीडियो, ये था आज का एक छोटा सा व्लॉग। मैंने सोचा कि वाई नॉट, अगर सकोदा में ना अमूमन इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं जिस तरह लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, ये बड़े शहर हैं, सरगोदा इतना बड़ा शहर नहीं है, इस वजह से यहाँ पे इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती। मैंने सोचा कि यार अगर ये एक्टिविटी हो रही है तो वाई नॉट भाई यहाँ पे जाया जाए, इसको कवर किया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए।
जो सरगोधा से बाहर बैठे हैं या सरगोधा में बैठे हैं भाई, वो देखें, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ सरगोधा की नहीं आई हुई थी, बिल्कुल चंद बंदे आए हुए थे, तकरीबन आप गिनती के कह सकते हैं कोई 50-60 बंदे आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि यार अगर व्लॉग के अंदर इसको दिखाया जाए तो और भी सरगोधा वाला तक पहुँचेगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी ऐसी सी अच्छी एक्टिविटीज़ जो है ना वो करवाई जाएंगी सरगोधा के अंदर। और मज़ेदार चीज़ थी, मज़ा आया, इन्जॉय किया फैमिली के साथ। ख़ास तौर पर इसमें यह फ़ायदा हो गया कि फैमिली के साथ जो है ना वो टाइम स्पेंड हो गया हमारा, फैमिली के साथ बंदा टाइम स्पेंड कर सकता है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, बच्चे इन्जॉय कर सकते हैं, और ये सीन था। तो बाकी होप सो कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दें, जो दिल में वो करें भाई, और कमेंट में लाजमी बताएं कि भाई कैसा लगा। उसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।